नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और भाई लोग सब कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई आपका बाल जो है काफ़ी बड़ी हो जा रही है, कटा लो कह के। तो हमने ये देख सकते हैं, हमने बाल कटिंग करा लिया है और ये कटिंग जो है चाचा के लड़का ने काटी है। और अभी तो आप लोग को पता होगी कि अभी सैलून भी अभी बंद है, तो कहाँ से कटिंग हो पाएगा। इसलिए अभी जितने भी हम लोग के अड़ोस पड़ोस में साथी हैं वो सब चाचा के लड़के के पास जाते हैं और उन्हीं के पास कटिंग कराते हैं। तो हमने भी कल कराया और पिछले बार भी कराए थे, तो देख के बताओ कैसा है कटिंग। और आज की ब्लॉग जो है काफ़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज आप लोग के भाई लोग के गांव में कर्मा है, यानी कि करम ध्रुवे के गांव में कर्मा है। तो कर्म की कुछ जानकारी आप लोग को देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आप लोग देख रहे हो तो कर्मा क्या चीज़ है उसको तो ऑलरेडी पता होगा। और जो भाई बाहर से हैं, बाहर राज्य से ये लोग देख रहे हैं, उन लोग को पता नहीं होगी कि कर्मा होता क्या है, तो उनकी लिए कुछ जानकारी देंगे कि कर्मा होता कैसा है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं करम ध्रुवे आप सबका स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट कर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि लाइक भी करना है करके। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कर्मा जो है हम लोग के छोटे छोटे, जैसे हम लोग का गांव है उसी में होता है, और दादा परदादा जमाने से, उससे भी कई जमाने से मतलब करते आ रहे हैं, कर्मा राजा का पूजा करते आ रहे हैं और आज भी करते आ रहे हैं, मतलब परंपरा को जारी रखा गया है। ठीक है, तो गांव के महिलाएँ सब, लड़कियाँ सब उपवास रहते हैं, जो कि आज कर्मा का दिन है। तो आज सभी लोग जो इच्छुक है वो आज उपवास हैं, और शाम के वक्त वहाँ थाली में जो भी पूजा का सामान है उसको ले जाएंगे वहाँ पे। जैसे हम लोग जैसे खेती किसानी करते हैं, जैसे धान हो गया, उड़द हो गया, मसरी हो गया, मक्का हो गया, जो भी हम खेती करते हैं उसको हमने एक पत्ता का टोकरी बनानी है और उसमें जई जमाना है बालू उलू डाल के। आज कर्मा है तो लगभग 6-7 दिन पहले जमा के उसको रेडी करना पड़ता है, तो उसी प्रकार के जमाना पड़ता है। और उसमें कुछ फल वगैरह रहते हैं, दीपक उपक अगरबत्ती वगैरह ले जाके मतलब वहाँ आपको ले जाते हैं। अब वहाँ ले जाने के बाद में वहाँ जो कहानी किथा कहने वाले, जैसे आपने सत्यनारायण कथा सुनी होगी उसी प्रकार की एक कर्म राजा का कथा है, उसको वहाँ पे सुना जाता है। और सुनने के बाद में वहीं से जो भी कर्म राजा को मतलब प्रणाम करके, अब वहाँ से नाचने वाला वहीं रुक जाता है और घर आने वाला घर आ जाता है। उसके बाद में नाच गान किया जाता है, जैसे कर्मान्वित में जैसे गाना बजाना, जैसे भजन सब होते हैं उसी प्रकार के, मतलब रात भर जगराता के लिए कुछ गीत गोविंद गाया जाता है और पूरी रात भर सुबह तक उसको नाच खेल के उसको तालाब चाहे नदी में उस डगाल को सोरा दिया जाता है, मतलब विसर्जन किया जाता है। तो इसी प्रकार की होती है कर्मा। और अभी जो आप देखोगे तो मिलेंगे शाम को और दिखाएंगे कुछ कुछ प्रोसेस, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि हमने कुछ आगे में डिटेल्स बताए हैं। तो देखो, मिलते हैं रात में। अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सभी लोग कथा का आनंद ले रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, और अभी ये कथा जो है 1-1.5 घंटा चलेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं, अभी कथा जो है पूरी तरीका से समाप्त हो गया है। और जो भी श्रद्धालु अपने अपने हिस्से में जैसे जई लाए हैं, जई जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सब लोग थाली से एक एक करके निकाल रहे हैं। जई होगा, फल होंगे और कुछ नारियल अगरबत्ती जो भी होगा उसको यहाँ पे रख रहे हैं, और यहीं से मतलब करम राजा का आशीर्वाद लेके वो जो हैं अपना अपना घर चलेंगे। तो अभी इसके आगे तरफ का वीडियो देखो कि किस प्रकार का गाना बजाना होता है, और इस तरीका का वीडियो में ज़्यादा लेक्चर देना ठीक नहीं होता, इसलिए पूरी वीडियो देखो नाच गान क्या क्या होता है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना
कि हम लोग के गांव का ये कर्मा जो है आपको किस कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए देखो पूरा वीडियो। सब झंडी आओगे मेला में रहती यानी धर यहाँ से फिर देख 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 सिंकरा सब झंडी इधर सिंकरा जी आधा
3